स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और डायटम्स के बारे में। हमें पता है कि ये तीनों क्या हैं। ये हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं यूग्लेनॉइड्स को, कि यूग्लेनॉइड्स जो है वो क्या होते हैं। यहाँ हमारे सामने जो है ये डायग्राम है, और ये डायग्राम किस चीज की है, ये है यूग्लेना की डायग्राम है। ये यूग्लेना जो है ये कहाँ से ताल्लुक रखता है, ये यूग्लेनॉइड से ताल्लुक रखता है। और यूग्लेनॉइड्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ज्यादातर मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, यानी कि ये फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें और इनका पार्ट देखें तो हम जहाँ पे देख लेते हैं कि यूग्लेना के अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होना जो है ये इस चीज की निशानदेही है कि ये जो है अपने खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। प्लांट्स की तरह ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इनके अंदर मौजूद है। ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। अब अगर दूसरे पार्ट्स की तरफ देखें तो इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये एक सर्कुलर बॉडी है जिसे कहा गया है कि ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी जो है वो इसके बाहर जो है ये स्ट्रक्चर जो है जिसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये क्या है, ये पेलिकल है। ये पेलिकल जो है ये बॉडी को कवर कर रही होती है। और ये किस चीज से मिलके बनी होती है, ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है, यानी कि जो उसकी बॉडी की आउटर कवरिंग है वो प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो है ये मूवमेंट के लिए ये फ्लैजेला मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक फ्लैजेला है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है कि ये क्या है, ये है फ्लैजेलम। अब ये जो फ्लैजेलम है, ये वाला फ्लैजेला जो है ये लार्ज है। ये लार्ज फ्लैजेलम जो है इसके साथ यहाँ बेस पे अगर आप देखें तो यहाँ बेस पे जो है यहाँ पे मौजूद है आई स्पॉट। ये आई स्पॉट जो है ये क्या करता है, एज अ स्टिग्मा जो है ये यूग्लेनॉइड की बॉडी में काम कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वैक्यूल जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर मौजूद होता है। और ये तमाम जो प्रोटोजोआ हैं यूग्लेनॉइड्स के, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्कुलर सी बॉडी जो है वो दिखाई गई है, और ये क्या है, ये इन्होंने कहा है कि ये इसके पायरेनॉइड है। और इसका काम क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो है ये एज अ फूड जो है वो इनके लिए एक्ट करते हैं, और ये आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड यूनिट्स बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड्स है, यानी कि इसके अंदर जो इसकी खुराक है वो पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में मौजूद होती है, यानी कि मुख्तलिफ यूनिट्स आपस में मिलेंगे और वो पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देंगे। इसके अलावा ये इसका क्लोरोप्लास्ट की वजह से तो ये फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक कंडीशन है, यानी कि अगर जो है ये ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हों जहाँ पे रोशनी ना हो, यानी कि जहाँ पे लाइट ना हो, तो लाइट ना होने की वजह से जो है ये क्लोरोप्लास्ट जो है अपना ये लूज कर देते हैं। अब जब ये क्लोरोप्लास्ट जो है इनका लूज हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये फिर ऑटोट्रॉफिक नहीं रहते, यानी कि ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या हो जाते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं, यानी कि फिर किसी और चीज़ पर इन्हें डिपेंड होना पड़ता है अपनी खुराक को प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर हम दूसरा इसी का प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का ग्रुप देखें तो वो है डाइनोफ्लेजिलेट्स। यहाँ पे जो हमारे सामने ये डायग्राम है ये किस चीज की है, ये डाइनोफ्लेजिलेट्स की है। यहाँ पे अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि ये सेलुलोज प्लेट्स जो है यहाँ पे मौजूद होती है, यानी कि सेलुलोज मौजूद होता है इनकी कंपोजिशन में। और अगर इसी प्लेट्स को यहाँ पे आप ज्यादा वाजह तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं तो ये जो गैप्स है यहाँ पे क्या मौजूद है, सिलिका मौजूद है। अब सिलिका जो है इन सेलुलर प्लेट्स के अंदर जो है वो धंसा हुआ होता है। इसका मतलब है सेलुलोज और सिलिका जो है वो दोनों मिलके इसकी कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें फ्लैजेला जो है वो मौजूद होता है। और अगर हम इसके अंदर मौजूद पिगमेंट्स की बात करें कि इसके अंदर पिगमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी जो है ये मौजूद होता है। और इसकी वजह से क्लोरोफिल ए की वजह से जो इसका कलर होता है वो होता है ग्रीन, और क्लोरोफिल सी की वजह से जो है इसके अंदर जो है वो येलो कलर
कलर होता है और ब्राउन कलर होता है, और इस येलो और ब्राउन कलर की वजह से ये क्या होते हैं, ये बनाते हैं रेड टाइड्स। अब ये रेड टाइड्स क्या हैं? रेड टाइड्स वो होती हैं जिनमें ये जो फ्रीक्वेंटली ये कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वाटर के अंदर, और वो कलर जो है वो कौन सा होता है? वो होता है रेड कलर का होता है, या वो ब्राउन होता है, या ऑरेंज होता है। अब इसकी वजह से वो जो कलर प्रोड्यूस होते हैं उस वाटर में, हम उनको कह देते हैं कि ये रेड टाइड्स हैं। अब ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो डायनोफ्लेजिलेट्स में आते हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये ज़्यादातर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं? ये ओशंस के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डायएटम्स। अगर हम डायएटम्स के बारे में स्टडी करें तो ये भी हमें पता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। यहाँ पे आप अपने सामने जो है ये देख सकते हैं। और ये क्या है? ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? जो ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर जो होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर आप इनकी अपेयरेंस देखें तो इनकी अपेयरेंस जो होती है वो एक बॉक्स की तरह की होती है। बॉक्स की तरह की अपेयरेंस का क्या मतलब होता है? जिस तरह से एक डब्बा होता है, उसका एक निचला पोर्शन होता है और एक ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला जो होता है उसे हम कह देते हैं कि ये इसकी लिड है, और जो ऊपर वाला होता है वो बड़ा होता है कि वो उसको कवर कर सके। बिल्कुल इसी तरह जो डायएटम्स होते हैं उसके भी दो हाफ्स होते हैं। एक हाफ जो होता है वो स्मॉलर होता है, और जो बड़ा होता है वो उसको हम कहते हैं कि वो लिड है, और वो उस स्मॉलर वाले को कवर करता है। अब अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो ये जो है सिलिका जो है वो इसकी कंपोजिशन में, यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर हम इसको मार्क कर लें, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये लाइन्स जिनको हम डार्क कर रहे हैं, ये बेसिकली लाइन्स जो हैं ये किस चीज़ की हैं? ये सिलिका से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो स्ट्राइशंस हैं, इनकी वजह से इनके ये जो प्यारा सा पैटर्न आता है मुख्तलिफ कलरफुल सा, ये इस स्ट्राइशंस की वजह से होता है। और ये बिल्कुल, ये जो सिलिका है, ये अगर हम देखना चाहें, ये कहा जो ग्लास की कंपोजिशन है, ग्लास का जो इंग्रेडिएंट है उसमें भी जो है वो सिलिका यूज होता है। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये किस तरह एक से दो होता है, तो इसके अंदर जो है वो दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन होती है। एक जो है वो एसेक्सुअली पहले ये रिप्रोड्यूस करता है, और फिर उसके बाद ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये तो था यूग्लेनॉइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स और डायटम्स के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।